अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ये बताइएगा, कुबरा के कौन से टॉपिक पे थे हम? चैप्टर नंबर 10 में पेज नंबर बता सकती हैं आप? है कुबरा? बेटा आपको आवाज तो आ रही है ना मेरी? जी सर, आवाज तो आ रही है। हम चैप्टर नंबर 9 में थे। जी नहीं, चैप्टर नंबर 9 तो हम अपनी रेगुलर क्लास में करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो मैंने स्टार्ट किया था उसमें कहाँ थे हम? चैप्टर नंबर शीजा, ये कैसा पेपर किया था तुमने? सर, क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारे नंबर मेरे ख्याल से 20 से तो कम ही आए। सर क्यों, मेरे तो पेपर अच्छा हुआ था केमिस्ट्री का। चलो फिर देख लेना आके। आप बताइए जरा शीजा, बताओ कौन से पेज पे थे हम चैप्टर नंबर 10 में? मैंने आज आप लोगों को भेजे जो हाई अचीवर्स थे ना, उनके मार्क्स भेजे, आप लोगों ने देख लिए? अच्छा, जी आप मुझे पेज नंबर बता दो। सर मेरे हिसाब से तो चैप्टर नंबर 10 अभी शुरू ही नहीं करवाया था आपने। मेरे ख्याल से दूसरे ग्रुप को शुरू करवाया होगा। यस सर, हम लोगों के ग्रुप को नहीं करवाया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कुछ भी शुरू नहीं कराया? अच्छा चले देखें अब। ठीक है ठीक है, फिर वो जो जो चीजें रह गई हैं वो बाद में करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसंट्रेशन यूनिट से। पेज नंबर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है, जिससे पहले रह गया होगा फिर वो बात देख लूंगा इंशाल्लाह, कोई एक्स्ट्रा क्लास लेके वो भी करा दूंगा आप लोगों को, जिस ग्रुप का रह गया है ना। अभी हम आ रहे हैं पेज नंबर 220। सही है बेटा, पेज नंबर 220 पे है कंसंट्रेशन यूनिट्स, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों की मेरी आवाज क्लियर है? हाँ बेटा, आवाज क्लियर है आप लोगों को मेरी? सीधा जरा जवाब दो। यस सर, यस सर, आपकी ठीक आवाज है ठीक क्लियर है है। यस ठीक सर, है क्लियर है। ठीक है। देखिए अब मैं ना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको बोर्ड पे देखिए ये प्रेजेंटेशन नजर आ रही है आपको? यस सर, ठीक है, देखिए हमें कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ना है, और कंसंट्रेशन वैसे तो हम प्रैक्टिकल में भी पढ़ चुके हैं, अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके अंदर ये कौन कर रहा है? ये आप लोग अगर ऐसे काम करेंगे ना तो फिर मैं जो है ना वो आप लोगों को निकाल दूंगा बाहर।
ये बंद करें ये, जो भी आप लोग में से हर कोई हरकतें कर रहा है ना, बंद करें ये काम, नहीं तो चले जाएं। अगर आप लोगों ने जो भी ये कर रहा है जिससे नहीं पढ़ना, बराए मेहरबानी चले जाएं। अच्छा देखें, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन हम लोगों को पढ़ने, और कंसंट्रेशन यूनिट्स में हमें मैथ्स परसेंटेज पढ़नी है, परसेंटेज वेट बाय वेट, या मैथ्स परसेंट, ये हमें जो यूनिट्स वगैरह पढ़ने हैं इनको हम वन बाय वन देखते हैं। देखिए मैथ्स परसेंटेज को परसेंटेज वेट बाय वेट भी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि मैथ्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और मैथ्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं। अब जितने भी कंसंट्रेशन यूनिट्स हम पढ़ने वाले हैं उनके अंदर जो चीज़ कॉमन रहेगी वो सब में यही रहेगी कि न्यूमरेटर होगा सॉल्यूट के लिए और डिनोमिनेटर होगा सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ना, मैथ्स ऑफ सॉल्यूट ग्राम के अंदर ले रहे हैं और सॉल्यूशन का जो मैथ है वो भी ग्राम में ले रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों यूनिट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेम होने चाहिए। अगर आप दोनों तरफ ग्राम ले रहे हैं तो ठीक है, वरना आप ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ किलोग्राम में ले लें या दोनों तरफ आप मिलीग्राम में ले लें मैथ, ठीक है। बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट्स जो है ना वो सेम होने चाहिए। इसके अलावा देखें ये सेल्फ चेक, ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे। इसके बाद होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट तो केमिस्ट्री के अंदर वेट नहीं होता। अभी हमने यहाँ पे पेपर के अंदर भी कोई ऐसा आप लोगों में से स्टूडेंट था तो जिसने जो मैथ हमसे पूछा था, मैथ ऑफ हाइड्रोजन मेरे ख्याल से पूछा था किसी ने मेडिकल में ना, तो उन्होंने मैथ भी निकाला था, उसको फिर जी से 9.8 से मल्टीप्लाई करके वेट भी निकाला था। केमिस्ट्री में तो हम कभी भी वेट की तरफ जाते ही नहीं है। अगर केमिस्ट्री में अगर वेट कहा भी है तो उसका मतलब मैथ ही होता है। बहरहाल परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब, न्यूमरेटर किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए, और डिनोमिनेटर किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए। तो अब क्या होगा, सॉल्यूट का हमारे पास क्या होगा, मैथ होगा, और सॉल्यूशन का हम क्या नोट करेंगे, वॉल्यूम नोट करेंगे। और परसेंटेज के फॉर्मूले में हमने 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही होता है। तो ये बहुत आसान आसान से फॉर्मूले, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा न्यूमरेटर में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अब ये अगेन यहाँ बात वही है कि दोनों यूनिट सी एम क्यूब में होने चाहिए या फिर दोनों यूनिट्स डी एम क्यूब में भी हो सकते हैं, ठीक है, डी एम क्यूब लीटर को कहते हैं। और इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट है। वॉल्यूम बाय वेट में न्यूमरेटर किसके लिए है, अगेन सॉल्यूट के लिए, और डिनोमिनेटर सॉल्यूशन के लिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नोट करेंगे और मैस ऑफ सॉल्यूशन नोट करेंगे, ठीक है। अब ये आमतौर पर यही होता है कि वॉल्यूम जो है ना, अगर वॉल्यूम यहाँ पे सी एम क्यूब में भी नोट कर सकते हैं और डी एम क्यूब में भी नोट कर सकते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपकी मर्जी के मैथ आप ग्राम में ले लें या फिर आप मैथ क्या ले लें, किलोग्राम में ले लें, ठीक है। लेकिन आमतौर पर यही होता है कि अगर आपने वॉल्यूम सी एम क्यूब में ले रहे हैं तो मैथ ग्राम में लिया जाता है, ठीक है, कॉमन यही है। और अगर आप मैथ जो है आप वॉल्यूम अगर डी एम क्यूब यानी लीटर में ले लें तो मैथ किलोग्राम में आ जाता है, ठीक है। इसलिए कि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते यूनिट्स है ना, इस वजह से, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते जुलते यूनिट्स है इसलिए हम जो है ना वो ये यूज कर लेते हैं। मतलब जैसे जैसे देखें ना कि जैसे देखें ग्राम, ग्राम कितना होता है, छोटा सा होता है ना, कि ग्राम 1 ग्राम जो है वो 1 टीस्पून पे आ जाएगा। वैसे तो टीस्पून तकरीबन 5 ग्राम का होता है लेकिन छोटा सा यूनिट। और सी एम क्यूब क्या है, वो भी बहुत छोटा सा यूनिट है, 1 टीस्पून में 5 5 cm³ आ जाते हैं। तो दोनों सेम रखते हैं, ठीक है, दोनों स्मॉलर यूनिट्स हैं। सी एम क्यूब में वॉल्यूम ले रहे हैं तो ग्राम में मैस ले लेते हैं। और डी एम क्यूब आपको पता है, एक लीटर, जैसे लीटर बॉटल है वो तो ज़्यादा बड़ी होती है ना, उसका जो लीटर बॉटल का मैस होगा वो किलोग्राम में होगा तकरीबन। तो अगर आप वॉल्यूम डी एम क्यूब में ले रहे होते हैं तो फिर आप मैस किलोग्राम में ले लेते हैं। यहाँ पे कोई बात पूछनी तो नहीं है बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है बेटा। ये सीएम क्यूब में लेंगे तो ये ग्राम में लेंगे, अगर ये डीएम क्यूब में ले लेंगे तो ये ग्राम में ले लेंगे। अच्छा इसके बाद देखें, मोलैरिटी। देखें मोलैरिटी के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लेते हैं डिवाइडेड बाय डीएम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं डीएम क्यूब के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मोलैरिटी का, ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस ये फार्मूला काफी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय
डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, या मोलर भी लिखते हैं या कैपिटल एम से भी शो करते हैं। मोलरिटी का यूनिट क्या, मोल पर डीएम क्यूब या मोलर या कैपिटल एम। और इसके बाद जो है ना आपके पास, ये तो खैर इसके बाद हमारे पास आ जाती है मोलैलिटी। मोलैलिटी एक वाहिद कंसंट्रेशन यूनिट्स है कि जो सबसे चेंज है, सबसे हटके, यानी जो बात कॉमन है इसमें और बाकी यूनिट्स में, वो तो ये कि न्यूमरेटर यहाँ भी सॉल्यूट के लिए है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम नोट डाउन कर रहे होते हैं। जो नई बात है मोलैलिटी के अंदर वो ये है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है ना किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है, किलोग्राम ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट। बस ये जो है वो नई बात है इसके अंदर, मोलैलिटी के अंदर, कि हम किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ नोट डाउन कर रहे होते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। ठीक है, मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, या इसको मोलल भी लिखते हैं, एम ओ एल ए एल, ये भी मोलैलिटी का यूनिट होता है, या इसका एक और यूनिट होता है स्मॉल एम। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ना, देखिये अब एक खास बात है, वो खास बात क्या है कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी के फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सेइंग अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। लेकिन मोलैरिटी को अगर आप गौर करें ना, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा होता है, और मोल भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते और मास भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर इनडिपेंडेंट होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों से किया जाता है कि व्हाई इज मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलैलिटी इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका हम देखें आंसर किस तरीके से करते हैं। हम ये कहते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के चेंज होने से क्या होगा कि मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई इज मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट, आप क्या जवाब देंगे, आप ये कहेंगे कि बिकॉज इन द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी देयर इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हेन द टेम्परेचर विल चेंज द वॉल्यूम विल चेंज। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, जो ठीक है बेटो, बेटा अब मैंने आप लोगों को सबको म्यूट कर दिया। अब आप लोगों में से अगर अब किसी को कोई सवाल हो तो फिर आप जो है पता हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है बेटा, अच्छा अच्छा बेटा देखिए, ये तो ये क्वेश्चन आप सबको सही आता है कि वाइज मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलैरिटी टेम्परेचर इनडिपेंडेंट। ठीक है, तो दोबारा इसको मैं आपको बता दूं कि ये पिछली इस पे चलते हैं, पिछली स्लाइड के ऊपर, कि देखो मोलैरिटी के फॉर्मूले में ना, यहाँ देखो कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ रहा है।
टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैरिटी के फॉर्मूले में मोल्स आ रहे हैं और मैस आ रहा है, और मोल भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते और मैस भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसलिए मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर इनडिपेंडेंट होती है। इसके बाद देखो मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो टेम्परेचर चले, ये जो हमारा चैप्टर चलेगा ना, इसमें जो सबस्क्रिप्ट है वो 1 होता है सॉल्वेंट के लिए और 2 होता है सॉल्यूट के लिए, ठीक है। सबस्क्रिप्ट 1 सॉल्वेंट के लिए और 2 होगा सॉल्यूट के लिए। तो अगर मिसाल के तौर पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी X2 मालूम करना है, तो वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इसी तरह 1 क्या होगा? सॉल्वेंट क्या होगा? ये मैं प्रेजेंटेशन भी आपको भेज दूंगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कहेंगे X1, वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, एक बात यह है कि एक फॉर्मूला ये भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे कि X1 प्लस X2 1 जो है वो 1 के बराबर होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर आप ऐड कर दें तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। मे आई प्रोसीड? अच्छा चले, मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। अच्छा अब देखें, इसके बाद ये तो एग्जाम्पल्स हैं। एक होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है कि मैस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मैस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। जिस तरह परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह पार्ट्स पर मिलियन में 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए कि 10 की पावर 6 का मतलब होता है मिलियन, ठीक है। अब ये याद रखना, फार्मूला बहुत आसान है। यानी कि अगर आपने ऊपर मैथ रख रहे हैं तो आमतौर पर नीचे भी मैथ रखते हैं, और ऊपर अगर वॉल्यूम रख रहे हैं तो नीचे भी वॉल्यूम रखते हैं। बाकी जो चीज़ें कॉमन है वो तो कॉमन ही है, यानी न्यूमरेटर सॉल्यूट के लिए ही होगा और डिनोमिनेटर सॉल्यूशन के लिए ही होगा। अच्छा, इसी तरह एक होता है पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन कहते हैं 10 की पावर 9 को। पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला याद कर लें, बिलियन का फार्मूला खुद ही सेम है, बस बिलियन के लिए 10 की पावर 9 आ जाता है। इसी तरह पार्ट्स, एक होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन। पार्ट्स पर ट्रिलियन भी बहुत आसान है, ट्रिलियन कहते हैं 10 की पावर 12 को। तो अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला याद है, उसके अंदर बस आप एक्सपोनेंट 12 रख दें तो ये पार्ट्स पर ट्रिलियन आ जाएगा। बस ये जो है ना, ये हमने करना था। इसके बाद जो है हम आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, मैं आप लोगों को जो है वो, हाँ जी, मैंने आप लोग चाहे तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। जी, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? नो सर। मे आई प्रोसीड? यस सर। ठीक है। देखिए, अब हम जो है ना, अब जरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जो एक्सरसाइज में जो आए हुए हैं वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, या सेल्फ चेक के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए, ये सेल्फ चेक है। ये सेल्फ चेक आप लोगों को नजर आ रहा है बुक के अंदर? देखो, सेल्फ चेक 10.3। यस सर। ये जो ड्रिप्स लगती है ना, जब भी कोई पेशेंट जाता है तो पहला काम तो ये करते हैं कि भाई इसको ड्रिप लगा दो, ठीक है। जो ड्रिप्स लगती है वो आमतौर पर दो तरह की लगती है, तो ग्लूकोज की ड्रिप लगती है, इसलिए कि आमतौर पर पेशेंट को वीकनेस बहुत हुई हुई होती है ना, और बाज़ अवकात जो है कि जो पेशेंट आता है ना बहुत सीवियरली डिहाइड्रेटेड होता है, और जो सीवियरली डिहाइड्रेटेड होता है ना उसको फिर जो है ना वो नॉर्मल सलाइन यानी सॉल्ट्स की ड्रिप लगती है, ठीक है। तो ये जो है ये ड्रिप्स जो है ये कह रहे हैं कि 5% डेक्सट्रोज यानी 5% ग्लूकोज होती है, या 0.9% नॉर्मल सलाइन यानी टेबल सॉल्ट जिसे कहते हैं वो होता है 0.9%। अब इन्होंने खुद ही ने बता दिए कि 5 ग्राम इसके अंदर ग्लूकोज होती है 100 cm क्यूब सोल्यूशन में, या 0.9 ग्राम NaCl होता है 100 cm क्यूब सोल्यूशन में। इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है,
तो आप पहले पार्ट के ऊपर जाएं तो ये बता रहे हैं कि 5 ग्राम ग्लूकोज है और 100 cm क्यूब सोल्यूशन है। अब देखो हमें मैस ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है ना, तो मैस ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का मैस को जो हमने लिया ना 5 ग्राम को 180 से डिवाइड कर दिया, ग्लूकोज का मोलर मैस 180 होता है, तो जब इसको 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ गए ग्लूकोज के। और हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 cm³, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये dm³ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी हमने कैलकुलेट कर लिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। इज इट क्लियर? जी क्लियर है कि नहीं है, मैं आगे चलूं? यस सर, अच्छा बेटे यस लिखने सर। की जरूरत नहीं है, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रही है और ये जो रिकॉर्ड होने के बाद ना मैं इसको इस पर डाल दूंगा, बॉन्ड टीचर जो वीडियो है, वीडियो चैनल है ना, बॉन्ड टीचर पे भी जाके आप देख सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा अब देखिए, अब आगे चलता हूँ मैं। अब ये सेल चेक 10.4 कैलकुलेट द पीपीएम, बताओ ये मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पेज नंबर हो सकता है ये ना हो, स्नेक है, यस सर ये मिल गया बुक में। अच्छा अब देखें, देखें ये कह ही रहे हैं कि जो है ना, अच्छा ये कह रहे हैं कि जो कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं तो उसके अंदर बेसिकली 2.5 ग्राम की कोई टैबलेट है, वैसे 2.5 ग्राम की टैबलेट तो अच्छी खासी बेखासी, शायद वो कैल्सी की जो टेबलेट होती है ना बड़ी बड़ी गोल गोल, आप लोगों ने शायद देखी हो, शायद ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कोई 2.5 ग्राम की टेबलेट है, उसके अंदर जो कैल्शियम है वो है 500 मिलीग्राम, इसके पीपीएम कैलकुलेट करने। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि हमने पीपीएम कैलकुलेट करने, मास ऑफ टेबलेट हमको दिया हुआ है और मास ऑफ कैल्शियम है 500 मिलीग्राम, तो पहला तो काम ये करेंगे कि मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? अब हम ये मानेंगे कि जो सॉल्यूट है वो कैल्शियम है और जो सॉल्यूशन है वो टेबलेट है। इसका तरीका ये भी होता है कि जो कम हो वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा हो वो सॉल्यूशन है। अब क्या करेंगे कि हमने कैल्शियम का मैस पुट कर देंगे और टेबलेट का मैस पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर पीपीएम के अंदर, ठीक है? 0.2 × 10^6 कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा के 2 के बाद कितने जीरो लगेंगे, 5 जीरो लगेंगे ना, तो ये हो जाएगा 200,000 हो जाएगा। जी सर क्लियर है? देखो यस आंसर सर क्लियर नहीं आ रहा, सर सेम आ रहा आंसर जो बुक में है। ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखें ये सेल चेक 10.4.2, वेस्ट वाटर फ्रॉम अ सीमेंट फैक्ट्री कंटेन्स 22 मिलीग्राम कैल्शियम आइंस एंड 0.006 ग्राम मैग्नीशियम आइंस पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ डिजाइन इन पीपीएम। यानी ये जो सीमेंट फैक्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकल रहा होता है ना, उसके उन्होंने बताया कि इसमें कैल्शियम इतना है और मैग्नीशियम इतना है। अब इसके मास ऑफ कैल्शियम हमें दिया हुआ मिलीग्राम में, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है किलोग्राम में, इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, ताकि दोनों यूनिट सेम हो जाए।
उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद देखो यहां तक क्लियर है? जवाब तो दो। जी सर, क्लियर है अच्छा, अब सर। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमने ये वैल्यूज पुट कर देनी और हमारे पास आंसर आ जाएगा। और पीपीएम ऑफ मैग्नीशियम आपका होमवर्क है। हाँ ठीक है बेटा। आगे चलूं मैं? यस सर। चले, अब इसके बाद ये आ गया कि सेल चेक 10.4.3 गोल्ड सी वाटर के अंदर है। इसकी कंसंट्रेशन पार्ट्स और बिलियन में है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ वाटर मस्ट बी प्रोसेस्ड टू रिकवर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड? आपको 1 ग्राम गोल्ड चाहिए, ठीक है? तो 1 ग्राम गोल्ड को हासिल करने के लिए कितना समंदर का पानी छानना पड़ेगा आपको, सादा से जबान में? अब ये करना है, देखें आप क्या करें। पार्ट्स पर बिलियन हमें दिया हुआ है, पीपीबी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और हमें मास ऑफ सॉल्यूशन यानी मास ऑफ वाटर मालूम करना है। तो वाटर तो सॉल्यूशन है ना, और हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कि 1 ग्राम गोल्ड हमें चाहिए। ये तो बन गया हमारा डेटा। इस डेटा में कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमने हमारे पास पीपीबी हमको गिवेन है, पीपी गिवेन है, मास ऑफ वॉट सॉल्यूशन हमें मालूम करना है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें मालूम है, बस एक ही अननोन है। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जनाब। 9.17 इंटू एक्सपोनेंट 7 kg, इतना पानी समंदर का आपको छानना पड़ेगा। छानना तो खाली पड़ेगा, सारे प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है बेटा? यस सर। जी सर। ठीक है बेटा। आप देखें इसके बाद ये है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज 0.25 m यूरिया। देखो ये जो स्मॉल m है, इसका यूनिट, इसका नंबर, इसका मतलब है मोलल, MOLAL, मोलैलिटी, ठीक है? अब हमें मोल फ्रैक्शन मालूम करना है यूरिया का, मोल फ्रैक्शन मालूम करना है यूरिया का, मोलैलिटी हमको गिवेन है। अब देखो ये शायद मैंने आपको बताया था कि बाज अवकात हमको किसी किसी फॉर्मूले में दो चीजें गैस करनी पड़ती हैं, आपको पता है? बताया था कभी? देखो मैं आपको जी, ये आपको कभी बताया, जिस मौके पे बात हुई थी कि बाज अवकात हमें फॉर्मूले के अंदर दो चीजें गैस करनी पड़ती हैं, बताया था कि नहीं बताया था? एक तो आप लोग बोल नहीं रहे, बेटा आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि मैंने ये बता। अच्छा आप लोग ये देखें, हमको ना वो दिया गया है, हमें मालूम करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया किसके बराबर होगा? नजर आ रहे हैं आपको बोर्ड? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। इसलिए कि मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। अब मसला ये है कि हमें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया भी नहीं मालूम और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर भी नहीं मालूम। इसकी जगह हमको दिया हुआ क्या है? हमको इसको जैसे अगर मैं कह दूं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें तो हमें दो चीजें चाहिए, दोनों नहीं मालूम।
अब हमको देखो मोलैलिटी दी दी इन्होंने, मोलैलिटी मोलैलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, सॉल्यूट हमारा यूरिया है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मसला ये है कि मुझे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया भी नहीं पता और सॉल्वेंट का कितना मैस है ये भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मोलैरिटी 0.25, बाकी ये दोनों चीजें मुझे नहीं पता क्वेश्चन के अंदर। अब बाज़ औक़ात अगर हमको साइंस के अंदर दो चीजें गैस करना पड़ती है ना, उनका एक रूल है ठीक है कि वो चीजें गैस बाज़ औक़ात दो चीजें गैस करनी पड़ती है, उनका आंसर हमें मालूम होता है लेकिन उनका जैसे यहाँ पे मोलैलिटी का आंसर मुझे मालूम है कि 0.25 है, लेकिन ये दोनों चीजें मुझे नहीं मालूम। अब दो चीजें गैस करने का क्या तरीका होता है, इसकी मिसाल आप यूं समझें कि मुझे ये पता चल जाए कि अनिका के मिसाल के तौर पर 100% केमिस्ट्री में मार्क्स आए। अब अगर अनिका के 100% मार्क्स आए हैं तो मैं मिसाल के तौर पर ये गैस कर सकता हूँ कि अनिका के मार्क्स 50 में से 50 आए हैं। अब ये जो मैंने गैस किया ना, मैंने टोटल मार्क्स भी गैस कर लिए और ऑब्टेन मार्क्स भी गैस कर लिए कि 50 में से 50 आए। अब ये गैस लॉजिकली तो करेक्ट है लेकिन हो सकता है रियली करेक्ट ना हो, रियलिटी ऐसी ना हो, हो सकता है कि 50 में से 50 ना आए हों, 25 में से 25 आए हों, या हो सकता है 85 में से 85 आए। ठीक है, तो ये हम जो मैंने जो गैस लगाया कि 100% मार्क्स तो 50 में से 50 होंगे, तो ये लॉजिकली करेक्ट है लेकिन रियलिटी हो सकता है ऐसा ना हो। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं समझूं कि मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में कोई एक्स है, उसके 50% मार्क्स है। अब अगर मुझे पता चल गया कि उसके मार्क्स 50% है, तो मैं क्या गैस कर सकता हूँ, मैं ये गैस कर सकता हूँ कि उसके मार्क्स 100 में से 50 है। यानी मैंने गैस लगाया कि टोटल मार्क्स 100 है और ऑप्टेन मार्क्स 50 है। तो अब अगर उसके 50% मार्क्स है तो ये गैस 50 आउट ऑफ 100 भी सही है, ये लॉजिकली सही है, लेकिन हो सकता है रियली रियल में ऐसा ना हो, सकता है उसके 12.5 मार्क्स आए हो 25 में से, और हो सकता है कि उसके जो है ना वो 10 में से 5 मार्क्स आए। क्लियर है ये बात? तो बाज़ औक़ात हमको जो है ना दो चीज़ें गैस करनी पड़ती हैं, वो गैस हम कोई भी आसान सा गैस कर लेते हैं जिसको लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ये पता है कि मोलैलिटी 0.25 है, तो अगर ये दो चीजें गैस कर दी है तो इसका एक तरीका ये होता है कि न्यूमरेटर वही ले लेते हैं जो आंसर है, न्यूमरेटर वही ले लेते हैं जो आंसर है और डिनोमिनेटर को ले लेते हैं 1। अब ये जो हमारा आंसर है ना, ये दोनों चीजें हमने गैस कर ली और ये लॉजिकली करेक्ट गैस है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? महवेश जवाब दो। यस सर। ठीक है, अब देखो अब हम दोबारा जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। वो जो हमारा न्यूमेरिकल था वो न्यूमेरिकल हमसे ये कह रहा है कि अब हमने क्या किया, हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया मालूम करना था, मोलैलिटी हमको गिवन थी, तो मोलैलिटी की वैल्यू हमने देखो पुट कर दी। अब ये दोनों चीज हमने गैस किए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हमने गैस कर लिया 0.25 और मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने गैस किया ये 1 kg है। ठीक है, यानी जो न्यूमरेटर है उसको वही सपोज कर लेते हैं जो आंसर है और डिनोमिनेटर को 1 ले लेते हैं। अब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि सॉल्यूट के मोल कितने 0.25 और सॉल्वेंट कितना, यानी वाटर एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या है वाटर है, तो वाटर कितना हो गया 1 kg। अब क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हमको पता चल गया और सॉल्वेंट है 1 kg यानी 1000 ग्राम,
तो सॉल्वेंट चूंकि 1000 ग्राम को हमने क्या किया, 18 से डिवाइड कर दिया, क्यों इसने किया, वाटर है तो वाटर के मोल आ गए। अब उसके बाद टोटल मोल हम देखेंगे कितने आएंगे, हम बस दोनों को ऐड कर लिया हमने, दोनों हमने मोल्स को ऐड कर लिया होगा, टोटल मोल आ गए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ये हमने कर दिया और हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ गया। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं। जवाब दो शजिया, शजिया है कि नहीं है? जी जी सर, सही सर, क्लियर है जी ठीक है बेटा। अब सर। देखो इसके बाद हमारे पास यह है कि पोटेशियम, अच्छा अब देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। अच्छा मेरे ख्याल से हमारे पास टाइम कितना रह गया, 2 मिनट रह गया। अच्छा 2 मिनट के अंदर ये वाला न्यूमेरिकल तो नहीं हो सकेगा, और इसके बाद हमारा कितना रह गया है, आप लोग क्या रिजॉइन कर सकते हैं बताएं। सर आप बताएं, वापस रिज्वाइन करना तो कर लेंगे। इसको मैं एंड करता हूँ, ये एक न्यूमेरिकल मैं चाह रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल और करा दूँ, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, ये मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर।